हेलो फ्रेंड्स, लेवन ट्रेडर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कल के दिन के लिए मतलब 15 तारीख को कौन से ऐसे स्टॉक है जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे और उनका लेवल नोट डाउन करेंगे। इससे पहले आज जो कैसा रहा जो स्टॉक का परफॉर्मेंस जो मैंने पिछले दिन नहीं मतलब 12 तारीख को आपको रिकमेंड किया था उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करा करिए, शेयर करा करिए क्योंकि लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो स्टॉक मैंने कल आपको सजेस्ट किया था वो सब स्टॉक ये है। तो उसका लेवल मैंने जो आपको नोट डाउन करवाया था वो था ये लेवल्स। तो देखते हैं कि ये लेवल्स आपको अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पहला जो स्टॉक था वो था केईसी इंटरनेशनल का। मैं प्रायोरिटी के हिसाब से हमेशा स्टॉक को ऊपर से नीचे की ओर लेके आता हूँ। तो पहला जो स्टॉक था वो था केईसी इंटरनेशनल। तो केईसी इंटरनेशनल मैंने दोनों साइड पे आपको टारगेट दिया था, जिस भी साइड आपको टारगेट अचीव होता वहां पे सस्टेन करता तो हमको उसमें पोजीशन बनाने का था। तो पहला देख लेते हैं केईसी इंटरनेशनल का चार्ट कैसा रहा। तो केईसी इंटरनेशनल का चार्ट आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेवल मैंने बाई साइड पे और सेल साइड पे दोनों पे दिया था, बाई साइड पे अचीव नहीं हुआ है, 383.50 ये ओपन ही हुआ है 380 पे। तो बाई साइड का हमारा ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन इमिडिएटली हमारा सेल साइड का 375 का यहाँ पे मैंने आपको दिया था 75 सेल करने के लिए। तो आप देख सकते हैं 375 पे अगर आप सेल करते तो कितना आपको डाउनफॉल आपको अचीव हो गया होता। तो हमारा जो पहला जो ये था प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें हमारा टारगेट अचीव हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक था वो है हीरो मोटर कॉप का। तो हीरो मोटर कॉप का भी देखिए, मैंने क्योंकि स्टॉक सजेस्ट किया हुआ था, जो लेवल मैंने आपको बोला था वो दोनों साइड पे बोला था, तो बाय का लेवल इसमें नहीं अचीव हुआ है और सेल का लेवल इसमें आया है, लेकिन सेल का लेवल यहाँ पे 3677 3677 यहाँ पे अचीव हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अचीव होने के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न, इसको 5 मिनट में कर लेते हैं। अगर इसमें 5 मिनट में ध्यान पे देखें तो इसमें देखिए, इसमें 200 सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही आके रिवर्स ले लिया है। जब भी ये 200 मूविंग एवरेज नीचे ही आ जाता है तो इसमें डर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ से एवरी चांसेस 100% चांस रहता है कि 200 मूविंग एवरेज को वो स्टॉक रेस्पेक्ट करे। तो हमारा जो सेल का लेवल अचीव हुआ था लेकिन नीचे 200 मूविंग एवरेज आ गया था, तो इसको हमको एग्जिट कर लेना था। कहाँ पे एग्जिट कर लेना था, यहाँ पे जैसे ही ये स्टॉक का जो प्राइस एक्शन पैटर्न में ब्रेक किया तो इसमें हम एग्जिट हो जाते, ठीक है ना। तो ये जो लेवल अचीव हुआ है लेकिन इसमें 200 मूविंग एवरेज इंट्राडे में आ गया नीचे से, तो इसको हम एग्जिट कर लेते। तो नेक्स्ट जो स्टॉक था वो KSCL को मैंने सजेस्ट किया हुआ था। लेकिन KSCL एक ही साइड पे मैं सजेस्ट किया था, बाई साइड पे। तो बाई साइड पे जो मैं आपको लेवल देता हूँ, एक ही साइड पे जो मेरा लेवल दिया था बाई साइड पे 575.50 का, देखिए उसमें अचीव ही नहीं हुआ है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पहला 945 तक वो लेवल अचीव ही नहीं हुआ है। KSCL का मैंने जो लेवल लेवल दिया था 575 का, 575 इसमें अचीव ही नहीं हुआ। 575 बाद में अचीव हुआ लेकिन 945 तक हमारा जो लेवल वो अचीव नहीं हुआ। तो नेक्स्ट जो स्टॉक था मैंने आपको सजेस्ट किया था वो है ल्यूपिन का। तो ल्यूपिन में देखिए, मैंने जो लेवल दिया था 883.50 का, तो 883.50 देखिए 883.50 यहाँ पे अचीव हुआ है, लेकिन पहले कैंडल में भी अचीव हुआ है। लेकिन पहले कैंडल में जब भी अचीव हुआ वहां पे मैं आपको बोलता हूँ स्टॉक प्राइस हमेशा नीचे से क्रॉस करना चाहिए, ये किया है। लेकिन ये प्राइस के ऊपर 15 सेकेंड तक इसमें सस्टेन करना चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं ये प्राइस को जस्ट टच करके नीचे आ गया, उसमें सस्टेन ही नहीं कर पाया, तो इसमें हमारा ट्रेड बना ही नहीं। आपको थोड़ा वेट करना है, लेवल जो मैं आपको देता हूँ थोड़ा वेट करना है, देखना है कि मार्केट में कुछ टाइम क्या है, क्या वो आपको सजेस्ट कर रहा है आपको ट्रेड लेने का बाई साइड पे। नहीं सजेस्ट कर रहा है तो आप छोड़ दीजिए वो ट्रेड को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो स्टॉक था डॉक्टर रेड्डी का, तो डॉक्टर रेड्डी का भी लेवल जो मैंने आपको बाई साइड पे दिया था वो लेवल भी अचीव नहीं हुआ है फ्रेंड्स, 2306 का। तो 2306 यहाँ पे आता है लेकिन इसके ऊपर भी वो नहीं गया है, तो डॉक्टर रेड्डी में भी नहीं हुआ है और सिप्ला में भी नहीं हुआ है। सिप्ला में भी जो लेवल मैंने दिया था इसके ऊपर दिया था लेकिन वो लेवल अचीव भी नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कल के दिन ट्रेडिंग के लिए कौन कौन से ऐसे स्टॉक है वो हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो कल के दिन के लिए फिर से मैंने ल्यूपिन को रखा है, क्योंकि आज देखिए, आज थोड़ा पहले तो वो थोड़ा नीचे आया लेकिन उसके बाद एक अपसाइड मूव दिया है, तो इसको हम वन डे
कैंडलस्टिक चार्ट में अगर देखेंगे, देखिए मैंने आपको कल ही बोला था कि ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कल इसने क्लोज दिया है, तो उम्मीद है कि कल मतलब आज के दिन ये अच्छा परफॉर्म करे, और किया भी अच्छा परफॉर्म, लेकिन वो बाद में किया जब मतलब 10 बजे के बाद किया, तो इसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बना था, लेकिन आज दिन भर इसने अच्छा परफॉर्म किया, तो इसको हम कल के दिन के लिए भी रख सकते हैं कि यूपी ये एक ब्रेकआउट स्टॉक है। तो कल के दिन के लिए लुपिन का जो बाय के लेवल बन के आ रहा है वो 906 पे आ रहा है। अगर 906 को नीचे से क्रॉस करे, मतलब प्राइस ओपनिंग इसका नीचे हो, 906 के नीचे हो, और नीचे से क्रॉस करे ऊपर 906 को, और 906 को क्रॉस करने के बाद उसमें थोड़ा देर सस्टेन करे, मतलब 10 से 15 सेकंड तक सस्टेन करे, तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं। याद रखिए 906 के ऊपर ही सस्टेन करना चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप पोजीशन ले सकते हैं, और टारगेट स्टॉप लॉस 0.5% 0.5% आप लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है अदानी एंटरप्राइज का। तो देखिए अदानी एंटरप्राइज जहां से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था, जो उसका रेजिस्टेंस बन रहा था पिछले 3-4 दिन से भी वहीं से रिजेक्ट हो रहा था उसका जो प्राइस, आज उसने पूरा उसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया है, तो ये कल के दिन के लिए एक बेहतरीन इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें बन सकता है। तो इसका जो लेवल आप बाय साइड पे निकल के आ रहा है वो 135 का आ रहा है, तो 135 जैसे ही क्रॉस करे नीचे से, तो इसमें हम बाय पोजीशन इसमें बना के ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ओरो फार्मा। अरविंद फार्मा भी देखिए एक डबल टॉप जैसा बनाया है, ठीक है ना, इसमें एक डबल यहाँ पे जो हाई था ठीक उसी तरह यहाँ पे भी बनाया है। अगर ये कल के दिन ये टॉप को क्रॉस करता है, तो जो लेवल मैं आपको दे रहा हूँ ये लेवल 651.50 को अगर क्रॉस करता है और सस्टेन करता है नीचे से, तो इसमें हम अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है टाटा ग्लोबल का। टाटा ग्लोबल को ध्यान दीजिए, आज अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ इसने अप मूव दिया है, लेकिन उसका जो रेजिस्टेंस आगे बहुत है, तो इसमें हम ट्रेड इंट्राडे ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेगा। इसमें जो लेके लेवल निकल के आ रहा है 279 का, 279 नीचे से क्रॉस होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा देर सस्टेन करना चाहिए, तो इसमें हम पोजिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है कैडिला हेल्थ केयर का। कैडिला हेल्थ केयर में इसलिए आपको दे रहा हूँ क्योंकि आप 15 मिनट चार्ट पे देखिए, ये एक दिन भर एक रेंज बाउंड रहा है, मतलब एक कंसोलिडेशन जोन की तरह ही रहा है, यहाँ से इतने प्राइस में ही मूवमेंट किया है, जहां ना ज्यादा ऊपर गया ना ज्यादा नीचे गया, तो कल के दिन इसको अगर ऊपर की ओर क्रॉस करता है ये लाइन को, तो इसमें अच्छा खासा अप मूव देखने को मिलेगा। तो इसके जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 404 का बाय साइड पे, अगर ये नीचे से क्रॉस करता है, और सेल साइड पे भी इसको ले सकते हैं, 393.50 को क्रॉस करके नीचे आए, मतलब ये सेल साइड में लेंगे, अगर प्राइस ऊपर ओपन हो, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर ओपन हो और ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे, तो इसमें हम सेलिंग साइड का पोजिशन ले सकते हैं। और वाकड़ फार्मा को मैं इसलिए रखा है कि आप इसमें ऑब्जर्व करके रख सकते हैं, क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास ही बंद हुआ है, हालांकि इसमें प्राइस ब्रेकआउट वॉल्यूम ब्रेकआउट दोनों आया है, लेकिन 200 मूविंग एवरेज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो इसमें आप देखिए कि 200 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे क्लोज हुआ है, हो सकता है ये कल के दिन में जो लेवल दू क्रॉस करके जस्ट वहीं से ही रिबाउंड हो जाए, मतलब नीचे आ जाए, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, कल के दिन की इसको ऑब्जर्व में रखेंगे, अगर ये ऊपर क्लोज होता है तो इसको हम बीटीएसटी के तौर भी ले सकते हैं, या फिर कल के दिन ट्रेडिंग के लिए मंडे को ट्रेडिंग के लिए इसको रख सकते हैं, तो इसको आप ऑब्जर्व में बना के रखिए, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है प्लीज लाइक करिए फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि चैनल में सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, जब भी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो इसमें हम अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजी इंट्राडे का हम इसमें लेके आएंगे। अगर जो भी बंदा कोर्स ज्वाइन करना चाहता है इंट्राडे, स्पेसिफिकली इंट्राडे का, नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी पे मेल करिए, पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा एक चीज, आप टेलीग्राम चैनल फ्री है, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप।